नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्लच का प्रॉब्लम होता है और आपकी क्लच प्लेट वेयर एंड टीयर जो बोलते हैं, क्लच खराब हो जाना जो बोलते हैं, वो कैसे होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सियाज, मारुति सुजुकी सियाज डीजल में ये फेस कर रहा हूँ, मेरे क्लच प्लेट अभी प्रॉब्लम हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा कुछ बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्यों और आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं या आप खराब होने से बचा कैसे सकते हैं। अभी मेरी कार जैसे कि 20 की स्पीड में चल रही है, तो ये सबसे पहले ये वीडियो में मैं कंप्लीटली कवर ये करूंगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे और किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है क्लच की, और उसके लास्ट में जो बताऊंगा मैं आपको कि आप ये प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका क्लच बच सके। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से मैं स्पेस ले लेता हूँ, एग्जैक्ट मतलब ऐसी स्पेस जहाँ मैं आपको दिखा सकूँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ये देखिए, अभी सेकंड गियर में मैं कार को चला रहा हूँ, मैंने टर्न ले लिया क्योंकि ओपन स्पेस था। फ्रेंड्स अभी देखिए आप मेरे फुट मूवमेंट में, मैं क्लच को प्रेस करूंगा और जैसे ही मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट गियर थोड़ा सा हार्ड हो गया है। ये हार्ड होने का रीजन है कि मैं स्मूथली टर्न नहीं कर पा रहा हूँ अपने गियर शिफ्ट को। ये देखिए, सेकंड स्मूथ हो गया, फर्स्ट थोड़ा सा हार्ड है। ये इंजन ऑयल की वजह से भी हो सकता है और ये आपका प्रॉब्लम जो है आपकी गियर के वजह से भी, क्लच की वजह से भी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सेकंड गियर में मेरी कार है, अभी मैं ये पिकअप ले रहा हूँ और ये सेकंड गियर मैंने लगाया, मतलब फर्स्ट गियर में कार थी, मैंने सेकंड गियर लगाया। अभी देखिए सेकंड गियर में जैसे ही मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे कार की 3000 RPM आ रही है लेकिन स्पीड उतनी नहीं जा रही है मेरे कार में। ये प्रॉब्लम जो है ये क्लच की प्रॉब्लम होती है, ये अभी इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो अभी देखिए मैं सेकंड गियर में ही हूँ और मैं जैसे ही एक्सीलेटर करूंगा, जैसे 1500 RPM में है, मेरे को स्पेस थोड़ी सी मिलने दीजिए। ये देखिए अभी मेरे पास स्पेस आई, मैं 2000 अप्रोक्स RPM आ गया हूँ लेकिन मेरी स्पीड जो है उतनी नहीं आई है। और अभी थर्ड गियर में देखिए मैं 3000 RPM में जा रहा हूँ लेकिन मेरी कार जो है इंजन से आवाज आ रही है लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, किसी भी जगह से स्पीड मेरी कार में नहीं आ रही है। अभी देखिए अगर मैं अभी फोर्थ गियर लगाया मैंने, RPM हाई जा रहा है, मेरी कार में जो है स्पीड वैसी नहीं आ रही है जो मुझे चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं एक्सीलेटर आप प्रेस कर रहे हैं, RPM हाई हो रहा है लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस तरह से है कि आप जो क्लच का प्रॉब्लम है जो हुआ है मेरे साथ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये क्लच की एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। क्लच प्रॉपर जो क्लच जो ये हमारा जो क्लच प्लेट होता है वो फ्रिक्शन के साथ काम होता है। फ्रिक्शन अगर सही नहीं है, फ्रिक्शन अगर फ्री हो गया है तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। उसमें क्या होता है, RPM रोल हो रहा है, इंजन पावर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपके गियर बॉक्स तक पावर नहीं जा रही है क्लच के थ्रू, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अगर आप क्लच खराब हो रहे हैं आपके, या फिर ऐसा हो गया है कि ये आप पिकअप लेना चाह रहे हैं, पिकअप नहीं आ रही है, आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं लेकिन RPM हाई जा रहा है, आपकी इंजन से आवाज आ रही है कि पावर हो रही है लेकिन आपके व्हील्स वो पावर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको स्पीड आपकी कार में नहीं दिख रही है, तो ये होता है क्लच अगर खराब होता है तो इनिशियल स्टेज में। अगर मैं इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू चलाऊंगा और ठीक नहीं कराता हूँ अपने क्लच प्लेट या जो भी प्रॉब्लम है क्लच प्लेट से रिलेटेड, असेंबली पूरी चेंज होती है, तो अगर वो मैं ठीक नहीं कराता हूँ तो मेरे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। जैसे अभी मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, बाद में क्या होगा, फर्स्ट गियर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अगर और क्लच प्लेट खराब होती है तो। वो प्रेशर पड़ने के साथ साथ ऐसा है कि आपका जो गियर बॉक्स होता है वो लीवर से काम करता है, वो लीवर जो है खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, कट होने स्टार्ट हो जाते हैं कॉर्नर से, या आप जैसे कहते हैं टीथ कहते हैं गियर लीवर में, टीथ होते हैं जो एक दूसरे को अटकाते हैं, वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, गियर बॉक्स पे भी आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है और जब क्लच खराब होता है आपको बर्निंग स्मेल आने लगेगी। अगर हम AC ऑफ करेंगे या फिर वेंट ऑन करेंगे तो इंजन बे से जो स्मेल आएगी वो बर्निंग स्मेल होगी, जलने की कोई चीज की जलने की स्मेल आएगी। ये तो हुई फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम जो मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। अभी देखिए जैसे हल्के से मैंने क्लच रिलीज किया, कार एकदम से भागने लगी, मेरे को क्लच पूरा रिलीज या बाइटिंग पॉइंट तक आने की जगह ही नहीं मिली, मेरी कार आगे एकदम भागने लगी, मेरे को क्लच एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना पड़ा। तो अभी ये प्रॉब्लम तो बताई मैंने, ये हुई कैसे अब ये बताता हूँ।
रिसेंटली जो सेंटर से ड्राइवर आया था मेरे पास, 10-15 दिन गाड़ी जो थी मेरे को सेंटर से ड्राइवर चाहिए था, तो मैंने वहां से मंगाया। सेंटर से जो ड्राइवर आए थे, तीन अलग अलग ड्राइवर थे 15 दिन के गैप में। जो एक ड्राइवर था 1 वीक तक गाड़ी मेरे चलाया था, 1 वीक अप्रोक्स 10 डेज तक। तो उसने क्या किया, ये जो क्लच है अभी देखिए मैंने डेड पैडल पे रखा है, उसने ये चीज नहीं की, उसने हमेशा क्लच पे ऐसे लेग रखा है अपना, ये जो नीचे हिल रखना और ऊपर ऐसे रखना, ये देखिए ये हाफ ऐसे ऐसे गाड़ी को चलाई है उसने, ये देखिए ये इस तरह से क्या क्लच जितना रिलीज हुआ उससे उतना किया, बाकी नहीं तो लेग रखा हुआ। ये देखिए पिकअप आ रही है अभी, अभी मैंने क्लच उतना ही रखा है, ये देखिए क्लच पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फुट जो है जितना एंगल सपोर्ट करेगा उतना ही ऊपर जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं। तो इस ड्राइवर ने ऐसा जो क्लच के साथ यूज किया है, इसको राइडिंग द क्लच कहते हैं, क्लच के साथ राइड किया है इसने कार को, ये देखिए ये पूरी तरह से क्लच नहीं छूटा है, लेकिन मैं एक्सीलेटर दूंगा तो कार चलेगी, तो उसने इसी तरह से चलाया है। जब जरूरत पड़ी दबा दिया क्लच को, फिर नहीं पड़ी इसने ऐसे रिलीज कर दिया। तो ये अगर आप इस तरह से रखते हैं अपने क्लच प्लेट पे, क्लच के पैडल पे लेग इस तरह से रखते हैं, जिसमें कि आपको लगेगा कि क्लच आपने पूरा रिलीज किया है, लेकिन क्लच क्या है, पूरा रिलीज नहीं होता है, वो थोड़ा सा जो फ्री मोमेंट है वो रह जाता है उसका। तो ये जो है आप अगर कंप्लीटली रिलीज करके डेड पेडल पे नहीं रखते हैं अपना लेग, तो आपका क्लच प्लेट क्या है 1000 या 2000 किलोमीटर में भी खराब हो सकता है। मैं तो बोलूंगा मेरा शायद 300 या 400 किलोमीटर में ही उसने खराब कर दिया था क्लच प्लेट। तो खराब जो मैंने आपको बताया, पिकअप नहीं आई गाड़ी, गाड़ी तो चल रही है, लेकिन अगर वही चीज और ऐसा चलता रहेगा तो ये 1000 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर पे ऐसा हो जाएगा कि आप गियर शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है क्लच के बारे में, ये खराब हुई है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या चीज से हुई थी, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया उसने इस तरह से गाड़ी को चलाया, ये ऐसे रख के अब एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी पिकअप आएगी। अब गियर चेंज करना है, गियर शिफ्ट कर दिया आपने, क्लच रिलीज किया, आपने एक्सीलेटर दिया, गाड़ी चलेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये डाउन द लाइन बहुत समय तक, मान लीजिए 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका क्लच प्लेट खराब होने लग जाएगा। ये अभी मैं इसलिए ऐसा चला रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम हुई है इसी तरह से। अभी देखिए अगर आप इस तरह से, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस तरह से चलाते हैं, ये देखिए आपने रिलीज किया, अगर क्लच को रिलीज करके आप, फिर देखिए फिर से प्रेस किया, फिर मैंने रिलीज किया, तो रिलीज करके मैंने लेफ्ट फुट अपना जो है डेड पैडल पे रख लिया। अगर आप इस तरह से कार को चलाते हैं आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लच आपके 50,000 तक चल सकते हैं, 60-70 हजार तक चल सकते हैं, तो आपको ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको बताता हूँ कि क्लच को इस तरह से आप यूज करें जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आगे रोड बंद है तो मैं यू टर्न ले लूंगा, वेयर एज अगर आप ट्रैफिक में ध्यान देंगे, आपको पहले भी बताया, जैसे ट्रैफिक में अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत बार होता है हाफ क्लच चलाना पड़ता है। हाफ क्लच का मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली क्लच के ऊपर ही पैर रखेंगे, हाफ क्लच का मतलब होता है हाफ रख के फिर छोड़ दिया कंप्लीट आपने। ये देखिए ये हाफ क्लच हुआ, मैंने पूरा रिलीज किया, फिर से प्रेस कर दिया, इससे खराब नहीं होगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें क्लच राइड करना है, प्रॉब्लम तब आती है। क्लच ये देखिए मैंने पूरा रिलीज कर दिया, फिर रिलीज करते ही मैंने फुट हटा लिया, अगर फुट को रखता हूँ वहां पे तब प्रॉब्लम आती है, तब खराब होता है। तो फ्रेंड्स ये क्लच के बारे में कंप्लीट वीडियो थी जो कि मैं फेस कर रहा हूँ ये इशू, इसलिए आपको ये वीडियो मैं दिखाना चाहता था, ये बताना चाहता था कि किस तरह से प्रॉब्लम आती है और क्या होता है आपकी कार में जो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आने लगेगी। अभी आपको मैं वो प्रॉब्लम जो है वो दिखाता हूँ, ये देखिए सेकंड गियर है, मैंने प्रेस किया एक्सीलेटर, 3000 RPM तक गई है लेकिन गाड़ी में पावर नहीं आई है, मतलब उतनी स्पीड नहीं आई है। आपको इंजन की आवाज आएगी, आरपीएम हाई दिखेगा, लेकिन आपकी कार जो है पिकअप नहीं ले पाएगी। तो इससे क्या होता है, माइलेज भी ड्रॉप होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।